अस्सलामुअलैकुम, सॉरी पता नहीं एकदम क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं समझ आई, सॉरी सॉरी। अच्छा हम थे कि मैं ये बता रही थी कि उस वक्त तक हम सोसाइटी को समझ नहीं सकते हैं या उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बात नहीं कर सकते जब तक हम सोसाइटी को एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ ना देख लें, ठीक है। उसको उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स, उसके अंदर जो भी हमें हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको देख ना लें, उनको उनके सोल्यूशन के लिए उस पर बात ना कर लें, हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब अरिस्टो ने कहा था कि भाई मैन जो है, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप। अरिस्टो ने कहा था कि भाई मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है। अब सोशल एनिमल से क्या मुराद है कि भाई वो कहता है कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सोशल बनाती है, ठीक है। हाँ, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें सोशल बनाती है। तो हमारी, जाहिर है, हमारी ज़रूरियात हैं जो हमें सोशल बनाती हैं। तो उस चीज़ के लिए इंसान जो है वो सोसाइटी के अंदर रहता है अपनी 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 ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। इस जिस तरह सोसाइटी ज़रूरी है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, सेम उसी तरह इंडिविजुअल भी ज़रूरी है सोसाइटी के सिस्टम्स बनाने के लिए, सोसाइटी को रन करने के लिए, सोसाइटी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो अब इस जो इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशनशिप है, इसको डिफाइन या इसको बताने के लिए हमारे पास, इन्होंने सिलेबस में दो थेरीज ऐड की हैं। एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी और दूसरी है द ऑर्गेनिज्मिक थेरी। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जब बोल रही होती हूँ तो वो बस बहुत तेज़ बोलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, जहाँ से ना समझ आए वहाँ से पूछ लीजिएगा दोबारा। अच्छा, अब हमारे पास दो थेरीज हैं, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी और एक है द ऑर्गेनिज्मिक थेरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी जो है वो, जिस तरह मैंने भी बात की कि भाई ये हमें बताएंगे कि भाई इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान जो एग्रीमेंट है ये उसकी बात करती है, जो रिलेशनशिप है उसकी बात करती है, ठीक है। तो जो थॉमस हॉब्स है, इसके अंदर हमारे पास दो थेरिस्ट आएंगे। एक थॉमस हॉब्स आएगा, ठीक है, THOMAS, HOBBES, ठीक है। और दूसरा आएगा जॉन लॉक, ठीक है। दो थेरिस्ट आएंगे इसमें हमारे पास। अच्छा, अब थॉमस हॉब्स ने जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को इस तरह से डिफाइन किया है, द म्यूचुअल ट्रांसफरिंग ऑफ राइट्स, ठीक है, अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करना। अब हम देखते हैं कि यार उसने किस सेंस में ये बात की हुई है। पहले हम थॉमस हॉब्स को पढ़ने से पहले हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेसिकली होती क्या है, ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, ये जो है वो ये कहती है कि भाई जब शुरुआत थी तो मैन जो था, जो एक इंडिविजुअल था या जो एक इंसान था, वो ना एक स्टेट ऑफ नेचर के अंदर रहता था, ठीक है। जहाँ पर जो थी वो कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई लॉज नहीं थे उसको रेगुलेट करने के लिए। दे हैव राइट टू एवरीथिंग, ठीक है, मतलब उनके पास फुल लिबर्टी थी। और उनकी उनकी वहाँ पर, मतलब जिस स्टेट ऑफ नेचर में वो रहते थे, वहाँ पर हार्डशिप्स और ऑप्रेशंस का सामना करना पड़ता था लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने दो एग्रीमेंट्स किए, ठीक है। अब दो एग्रीमेंट्स वो कौन से थे? एक था पैक्टम यूनियनियस, मैं यहाँ पर टाइप पता नहीं होगा कि नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको टाइप कर देती हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए। एक एग्रीमेंट था ठीक है, और दूसरा था पैक्टम सब्जेक्शनस, पता नहीं इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मुझे नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, जो ऊपर वाला है पैक्ट, इसके अंदर उन्होंने क्या एग्री किस बात पे एग्री किया कि भाई हमारी जो, उन्होंने उन्होंने आर्ग्यू किया कि यार हमारी जो लाइफ है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम इस तरह से रह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, हम एक स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये सेव होनी चाहिए, ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दूसरा जो पैक्ट था उसके अंदर इन्होंने कहा कि इन्होंने डिमांड किया कि भाई हमारे पास एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमारी लाइफ, जो हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर करे, और हमारी हमारी जो लिबर्टी है
जो एक एक्सेस में है लिबर्टी के, हम किसी कहीं पर भी मतलब कोई कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, हम एक दूसरे की लाइफ में इजीली घुस सकते हैं, ठीक है. तो इस चीज़ के ऊपर भी लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है. तो क्या हुआ कि भाई इन इन एग्रीमेंट्स की वजह से, इन दो एग्रीमेंट्स फिर इस चीज़ को फॉलो किया गया, और ये दो एग्रीमेंट्स किए गए, ठीक है. अब इन दो एग्रीमेंट्स की वजह से जो थी वो एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट और एक स्टेट जो थी वो बनी, ठीक है. अच्छा, अब थॉमस होब्स क्या कहता है भाई कि उसने ना उसकी एक बुक थी लेवियंथन, जो उसने 1651 में पब्लिश की थी ड्यूरिंग सिविल वॉर इन ब्रिटेन. उसके अंदर वो कहता है कि भाई मैन जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर तो रह रहे हैं, वहाँ पर वो क्या कन्फ्रंट कर रहा है, वहाँ पर वो उसको फियर है, उसके अंदर सेल्फिशनेस है, उसकी जो कंडीशन है वो बड़ी क्योटिक किस्म की कंडीशन है, और उसकी लाइफ जो है ना इस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर रहते हुए वो क्या है, वो पुअर है, नेस्टी है, शॉर्ट है, ब्रूटिश है, ठीक है. मतलब वो कहता है कि भाई इंसान जो है ना वो एक बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजार रहा है, ठीक है. अब क्या फिर वो अब ठीक है, अब उसने ये बात की, अब फिर वो कहता है कि यार मैं एक इंसान जो है ना वो ना एक सिक्योरिटी, उसके अंदर ना एक नेचुरल डिज़ायर होती है, मतलब इनहेरेंट है उसके अंदर ये चीज़ कि भाई उसके अंदर ना सेंस मतलब सिक्योरिटी और ऑर्डर की डिज़ायर होगी, ठीक है. अब वो कहता है कि भाई सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन को अचीव करने के लिए ना, और इस मिजरी और इस पेन को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, इंसान जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है. अब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आके क्या करता है कि भाई वो जो है वो अपनी जो भी अपनी अपनी जितने भी राइट्स हैं उनको सरेंडर कर देता है एक माइटीएस्ट अथॉरिटी को, ठीक है. कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है वो, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है, ताकि ताकि वो सिक्योर फील कर सके. ये जो है वो थॉमस हॉब्स कहता है. उसके बाद हमारे पास इसके अंदर सेकेंड थेरिस्ट आ जाता है, जॉन लॉक. जॉन लॉक जो है उसका जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू थॉमस हॉब्स, ठीक है. वो कहता है कि भाई जिस तरह से इसने इसने बताया है इतनी भी कोई बात नहीं है, ठीक है. हम इतनी भी मिजरेबल, एक इंसान जो है वो इतनी भी उस टाइम पे इतनी भी मिजरेबल लाइफ नहीं गुजारा था जिस तरह उसने बयान की है. वो कहते हैं कि भाई मैन जो है, वालेकुम अस्सलाम, मैन जो है वो एक स्टेट ऑफ नेचर में तो रहता है, ठीक है. वहाँ पर वो क्या है कि भाई इट वॉज़ रीजनेबली गुड एंड इंजॉयबल, ठीक है. वो कहता है कि भाई वो एक रीजनेबल लाइफ गुजार रहा है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन क्या है कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो उसकी सिक्योर नहीं है, ठीक है. वो कहता है कि वो ना ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, स्टेट ऑफ नेचर इसको डिफाइन करता है कि ये गोल्डन एज है, ठीक है. और वो कहता है कि इट वॉज़ अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन. अच्छा, अब ना फिर क्या होता है कि भाई वो कहता है कि भाई हमें हमारे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तो सिक्योर नहीं हो रही है, तो वो क्यों सिक्योर नहीं हो रही है. अच्छा, वो क्यों सिक्योर नहीं हो रही है. वो कहता है तीन चीज़ों की एब्सेंस है इसलिए जो है वो हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं है. एक तो है एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड लॉ, ठीक है. दूसरी है एब्सेंस ऑफ इम्पार्शल जज, और तीसरा है एब्सेंस ऑफ नेचुरल पावर जिससे हम नेचुरल लॉज को एग्जीक्यूट करें. ये तीनों चीज़ें तो है नहीं, ना लॉ है, ना जज है, ना पावर है, तो क्या है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर ही नहीं है. तो वो कहता है कि भाई प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक इंसान जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, ठीक है. फिर वो क्या करता है, इंसान जो है वो अपने जितने भी उसके राइट्स हैं उसको एक सिंगल इंडिविजुअल के आगे सरेंडर नहीं कर देता, ठीक है. वो क्या करता है, वो एक इंस्टीट्यूशन के डिमांड करता है कि यार मेरे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिससे जो है वो मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर हो सके, ठीक है. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जहाँ पर जज हो, पावर हो, लॉ हो, और इन चीज़ों की प्रेजेंस जब होगी तो फिर क्या होगा कि भाई इंसान के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, तो क्या होगा कि एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा एक इंडिविजुअल के अंदर और एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है सबको. ये थी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है द ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी. इसके अंदर ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी जो है
ये भी एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशनशिप को शो करती है, ठीक है। इसके अंदर ये बात की जाती है कि भाई इन एक जो जो सोसाइटी है ना, वो क्या है, वो बिल्कुल एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की तरह ही है। जिस जिस तरह एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, इसी तरह से एक जो सोसाइटी है वो भी डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू एक डेवलप होती है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनिक नॉलेज की बात की जाती है, वो कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल और सोसाइटी के एट्रीब्यूट्स सिमिलर हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी के अंदर ये बात की जाती है, और कहते हैं कि भाई इनका सेम डेवलपमेंट प्रोसेस है। एक इंडिविजुअल डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना, हम डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे डिफरेंट पार्ट्स, हम उनसे मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह से इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि भाई सोसाइटी जो है वो भी डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। इंडिविजुअल जिस तरह से ग्रो करता है फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से हमारी सोसाइटी भी जो है वो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ग्रो करती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो थेरिस्ट हैं, तीन हैं शायद, हाँ, प्लेटो, अरिस्टो और हर्बर्ट स्पेंसर। सबसे पहले हम प्लेटो की बात कर लेते हैं। प्लेटो जो है वो जब मतलब ही टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो वो ये कहता है कि भाई जो सोसाइटी है वो थ्री पार्ट्स के ऊपर कंपोज्ड है, ठीक है। तीन तीन हायरार्की उसने बयान की है। उसने कहा है कि भाई हमारे पास एक रूलर, ठीक है, रूरल क्लास है, वेरियर्स हैं और आर्टिजन्स हैं, ठीक है। और उसी तरह से जब उसने ह्यूमन बीइंग की बात की है, उसने कहा है कि भाई जिस तरह हमारी सोसाइटी के तीन हायरार्की हैं, इसी तरह हमारे ह्यूमन बीइंग्स के भी तीन लेवल्स हैं, सोल, विजडम एंड डिज़ायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अरिस्टू जो है, उसने अपनी किताब द एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के अंदर भी उसने इस चीज़ को इस तरह से बताया। उसने कहा है कि भाई सोसाइटी सॉरी इंडिविजुअल जो है वो एक इंट्रेंसिंग पार्ट है सोसाइटी का, ठीक है। मतलब सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो है वो इंडिविजुअल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और चीफ एक्सपोनेंट भी हर्बर्ट स्पेंसर ही है इस थेरी का। इसने ऑर्गेनिक नॉलेज के ऊपर काफ़ी काम किया है। जब हम थेरीज पढ़ेंगे, जो हमारा जो एक पूरा प्रॉपर थेरीज का टॉपिक है, उसके अंदर इसकी हम थेरी पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से, तो तब आपको मज़ीद क्लियर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर क्या बात करता है, वो कहता है कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर तीन सिस्टम्स प्रिवेल कर रहे हैं। पहला है सस्टेनिंग सिस्टम, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, तीसरा है रेगुलेटिंग सिस्टम। पहला है सस्टेनिंग सिस्टम, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, तीसरा है रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। कौन सी बात कर रही हो आप? सोसाइटी के थ्री पार्ट्स बताए हैं मैंने। अभी अभी तो मैंने थ्री सिस्टम्स की बात की है। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी में थ्री उसने सिस्टम्स बताए थे, सस्टेनिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम और रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम सस्टेनिंग सिस्टम की बात करते हैं। वो कहता है कि भाई जिस तरह से एक इंडिविजुअल का सस्टेनिंग सिस्टम होता है ना, जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, वो प्रोसेस्ड होता है, वो सस्टेनिंग सिस्टम हमारा माउथ है, हमारा स्टमक है, हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसका जो सस्टेनिंग सिस्टम है वो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम की वो बात जब करता है, तो वो कहता है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है एक इंडिविजुअल के अंदर, एक इंडिविजुअल की एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम की बात करें, तो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आ जाते हैं, जिसमें रेलवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, न्यूज़, सोशल मीडिया एट्सेट्रा। उसके बाद हम रेगुलेटिंग सिस्टम की बात करें, तो इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रेगुलेटिंग सिस्टम होते हैं, हमारी नर्व्स, हमारे हमारी नर्व्स, जो मोटर मैकेनिज्म है, ये सारा, ठीक है। मतलब ब्रेन, नर्वस सिस्टम वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। तो इसी तरह से जो हमारी जो सोसाइटी का जो रेगुलेटिंग सिस्टम है वो है प्रोफेशनल्स, ठीक है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, ठीक है। ये सारे जो हैं वो ये सोसाइटी के रेगुलेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। और उसने जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस रेगुलेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास सिलेबस के अंदर
आ जाती हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी टाइप्स। उन्होंने बताया कि सोशल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन किस तरह से हुई थी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, वो हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी एवोल्यूशन हुई थी सोसाइटी की हमारी। अच्छा, सोसाइटी जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक ऐसा लोगों का हजूम या मजमुआ जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ से क्या मुराद है कि, एक मिनट, हाँ, ये जो है वो ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है सोसाइटी की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि जो जो इनका जो वो जरिया मुआश था, वो था कि वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे ये लोग, ठीक है, फिशिंग करते थे, प्लांट्स, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स ये लोग ये गैदर करते थे, और क्या था कि भाई अपनी जो सर्वाइवल था वो करते थे हंट। इनका चूंकि इनका जो था वो उसी टाइम इन्होंने हंट करना है और उसको उसी टाइम खा लेना है, तो इसलिए जो थे वो ये हमेशा स्टैटिक नहीं रहते थे, ये मूव करते रहते थे, ठीक है, ये इस सोसाइटी के लोग, ठीक है। और क्या था कि ये इसको नोमैडिक नोमैडिक सोसाइटी थी, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर जो था इसके अंदर वो डिफरेंट टास्क डिफरेंट सोशल ग्रुप को दिए गए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हंटिंग जो था वो मेल ने करनी होती थी, और जो गैदरिंग थी जैसे नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी गैदरिंग जो थी वो ये फीमेल करती थी। लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन सोसाइटी के अंदर थी, इनके इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सरप्लस फूड का, ठीक है, मतलब फूड को सेव नहीं करते थे, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने उसी टाइम पे उसको हंट करना होता था और उसी टाइम पे उसको खा लेना होता था या जो भी, और गैदर भी ये उतना ही करते थे जितना एक दिन का इनका गुजारा हो जाता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़े से एडवांस हुए, ठीक है, उसके बाद हम 7,000 मेरा ख्याल है 10,000 ईयर्स के बाद हम जो थे वो हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटी की तरफ मूव करना शुरू हो गए। हमने क्या किया, हमने जो है वो एनिमल्स छोटे पैमाने के ऊपर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इसमें इन इन सोसाइटीज़ के अंदर भी हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी लो ही थी, मतलब कम ही थी, लो पॉपुलेशन नोमैडिक सोसाइटी कहा जाता था इसको। और क्या था कि और इसके अंदर क्या था कि अपने जो सबसिस्टेंस हैं ये जिस मैंने पहले बताया कि डोमेस्टिकेट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके ये लोग अपना सबसिस्टेंस करते थे, और इसी तरह एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़ में थोड़ा सा लेवल इनका इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ आ जाती हैं। हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ जो हैं बेसिकली क्या था कि इसके अंदर महदूद पैमाने पर अपनी जो थे वो क्रॉप्स वो उगाते थे, ठीक है, फिर उनको कल्टीवेट करते थे। फिर इनके पास इस तरह की ये जो सोसाइटीज़ थी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जो थी वो ये अराउंड 7,000 BC इन एशिया ये जो थी वो ये इमर्ज हुई थी, और ये पहली टाइप थी सोसाइटी की जो एक्चुअली ग्रो कर रही थी अपने अपने ऑन फूड के ऊपर, रादर देन कलेक्ट उसको हंट करके और गैदर करके, और एग्जिस्टिंग फूड को हंट और गैदर करने की बजाय क्या कर रही थी, ये अपने अपने फूड को ग्रो कर रही थी और सर्वाइवल के लिए कर रही थी। तो ये फर्स्ट टाइप थी सोसाइटी की ऐसी, ठीक है। अब इनके अंदर थोड़ी सी सेंस डेवलप हुई, क्या हुआ कि भाई इन्होंने फूड और जो गुड्स थी उनको इकट्ठा किया, ठीक है, उनको उसको जमा किया, और फिर उसके बाद जो थी वो सेटल्ड सोसाइटी में ये जो थी वो ये इनका शुमार हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्रेरियन सोसाइटी आ जाती है। एग्रेरियन सोसाइटी के अंदर क्या क्या हुआ कि हम जो थे वो हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई, पॉपुलेशन साइज़ भी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ हो गया। हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर हमारे पास आई, हमने डिफाइन किया कि भाई वुमेन ने ये रोल प्ले करना है, मेल ने ये रोल प्ले करना है। उसके बाद हमारे पास हमने हमारे पास इतनी अक्ल आ गई कि हमने अपने फूड को जमा करना है और उसके बाद उसको सेल करना है, ठीक है। फिर हमारे पास इतनी अक्ल भी आ गई कि हमने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी सेल करना है, तो हमारे पास जो है वो हम मज़ीद डेवलप होते चले गए ना। जब डेवलप होते चले गए तो
हमारे अंदर जो है वो पैसे की जो वो क्या उसको कहते हैं एक लालच वो बढ़ती चली गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हमने सेल फूड की सेल स्टार्ट की। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स की सेल स्टार्ट की। उसके बाद हमने मूव किया इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर क्या हुआ कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। हमने हमने इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्री इंडस्ट्री के थ्रू लेबर को इंडस्ट्री के थ्रू अपना जो वो था सब्सिस्टेंस उसको उसके ऊपर डिपेंड हो गए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डोमेन ऑफ लेबर थी, डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब थी मेल की और फीमेल की। ठीक है, हमने नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए और नई जो थी वो डिफरेंट रोल्स थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जो पुअर और रिच का जो गैप था वो वाइड होता चला गया। ठीक है, पहले ही क्योंकि एग्रीरियन सोसाइटी के अंदर हम जो थे वो थोड़ा सा डेवलप हो रहे थे। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हमने मूव किया तो क्या हुआ कि हमारा रिच और पुअर का जो गैप था वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो फिर कार्ल मार्क्स ने जो थी वो उसने एक थेरी थेरी जो थी वो दी थी, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थेरी है वो भी हम उसकी जब हम थेरीज पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसने कहा था कि भाई जो एक जो अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। उसने कहा था कि भाई जो रिच क्लास है वो एक्सप्लॉयटिंग क्लास है जो कि पुअर क्लास के राइट्स को और उसको एक्सप्लॉयट करती है। ठीक है, और फिर मतलब ये उसकी थेरी थी इसने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर हमने मूव किया पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्या हुआ कि भाई पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हमारी जो एग्ज़ाम्पल आ जाती है वो डेवलप्ड नेशन की आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमने नए न्यू फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस और न्यू फॉर्म ऑफ सर्विसेज की तरफ मूव करना शुरू किया। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो जो फोकस बेसिकली था फोकस था वो क्या होता चला गया, वो सर्विस डिलीवरी मतलब हमारा इसमें फोकस बेसिकली मेन फोकस था सर्विस डिलीवरी का। इसके अंदर हम सर्विस इस पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर सर्विस ओरिएंटेड वर्क है। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल पॉपुलेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास इस सिलेबस में हमने कम्युनिटी और मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स को छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि हम बाद में करेंगे, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि कम्युनिटी का मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स और बाकी रूरल अर्बन सोसाइटी के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जो लोग सिलेबस को मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं वो देख लें कि मैं अब कम्युनिटी के हम मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने लगे हैं और उसके बाद हम सीधा थर्ड से एट जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी का उसके ऊपर जंप कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी एक सोशल लाइफ की एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ जो होती है ना एक लिमिटेड एरिया के अंदर उसको हम कहते हैं कि ये कम्युनिटी है। ठीक है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, सॉरी। कम्युनिटी जो है वो टू लैटिन वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, एक है कैम और एक है म्यूनिस। ठीक है, CAM कैम, कैम का मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस मतलब सर्व। तो इसका मतलब हुआ कि भाई सर्व टुगेदर टू सर्व टुगेदर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो डेफिनेशन है ऑकबर्न ने बयान की है वो कहता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ एक लिमिटेड एरिया के अंदर, जैसे मैंने अभी पहले बात की। ठीक है, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, एक डिफाइंड लोकेलिटी होती है, उनके कम्युनिटी के लोगों के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं और ये जो है वो ये नेचुरली ऑर्गेनाइज होती हैं कम्युनिटीज़। ठीक है, और उसके बाद मैन जो है वो इसको अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं करता, बाय बर्थ जो है वो इसको वो क्या होता है कि कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा परमानेंसी होती है, ये हमेशा जो है वो परमानेंट इन नेचर होती है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की एक टोटल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का इनकी सोशल लाइफ होती है। उसके बाद इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए उसके करेक्टरिस्टिक्स।
उसके बाद हमारे पास अब हम टॉपिक नंबर 8 पे जंप करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है रूरल कम्युनिटी, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लाइफ द अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, रूरल कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है? रूरल कम्युनिटी जो है वो ये तमाम वर्ल्ड के तमाम एरियाज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है, कॉपरेशन होती है, लो स्पेशलाइजेशन होती है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में क्या होता है, मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मोस्टली क्या होता है कि भाई रूरल कम्युनिटी जो है वो दे आर प्रेफर्ड ओवर अर्बन कम्युनिटीज़। ठीक है, चूँकि इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं इसलिए भी। अच्छा, पहला करेक्टरिस्टिक्स इसका है कि भाई इसकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी मतलब थोड़ी लो होती है, लो पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और इनके अंदर जो है वो चूँकि जो इनकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है वो थोड़ी मतलब कम कह लो होती है, कि सात 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 लोग रह रहे होते हैं। एक अगर हम एक रूरल एरिया के अंदर जाएं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, इस फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से लोग जो होते हैं वो बड़े इंटेग्रेटेड होते हैं आपस में। ठीक है, उनके अंदर हम आंगी या वुई फीलिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं रूरल कम्युनिटी के लोग। ठीक है, उसके अलावा ये इनका जो वो है सब्सिस्टेंस वो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस है। ठीक है, उसके अलावा क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो इसका एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके अलावा जो इनका फैमिली पैटर्न है वो क्या होता है, वो मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। ठीक है, और क्या होता है इनकी, और फॉर्मल एजुकेशन की जो रेशियो है वो बड़ी लो है। और पीपल जो लोग हैं उनकी जो रिलीजन और उनके जो रिलीजन होते हैं वो सेम और सेम रिलीजियस एफिलिएशन होती हैं ड्यू टू ट्रेडिशनलिज्म। अच्छा, ये बड़ी जनरल सी बातें हैं इसलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि भाई इनके पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो लोग होते हैं रूरल कम्युनिटी के अंदर रहने वाले, ये चूँकि ट्रेडिशनल होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई ये बड़ी मुश्किल से सोशल चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में इनको टाइम लगता है। अच्छा, अर्बन कम्युनिटी जो है वो ये कहा जाता है इसके बारे में कुछ 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 लोग, ठीक है, मतलब कुछ स्कॉलर्स की बात आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो जो फर्स्ट कम्युनिटी जो थी वो अर्बन उस टाइम बनी थी, मतलब वो कम्युनिटीज़ अर्बन कम्युनिटीज़ कहलाई थी पहले, जब पहली दफ़ा जो रिवर वैलीज़ के साथ थी। ठीक है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि 6,000 7,000 years ago, ठीक है, जो अर्बन कम्युनिटीज़ थी वो डेवलप हुई थी इन द वैलीज ऑफ नील एंड टिग्रिस। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह से हमने उस तरह बात की थी रूरल कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, इस तरह हम इसके ऑपोजिट उसके ऑपोजिट चीज़ें देख लेते हैं कि भाई इधर क्या होता है कि भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है। ठीक है, लोग जो हैं वो यहाँ पे हेट्रोजीनियस हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट सोशल क्लासेस से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं लोगों के, तो इसलिए जो है वो ये हेट्रोजेनिटी इनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, उसके अलावा सोशल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, और फैमिली पैटर्न्स जो हैं वो यहाँ पर मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। लिटरेसी रेट जो है वो हाई है और ये जो है वो सोशल चेंज को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमने क्या बात की थी वहाँ पे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो बड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अब रूरल अर्बन कन्वर्जेंस, अर्बनिज्म और फ्यूचर ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान, ये रह गया। ठीक है, इसको अब इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें।
जल्दी से कमेंट्स में बता दें अगर कोई मसला है तो, नहीं तो हम क्लास अटेंड करते हैं। आप लोग जल्दी से रिस्पॉन्स करें प्लीज़।